السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. जी शेख, ये ऐसा ये शेख मेरा सवाल ये था कि जब कोई एक रिवर्ट बनता है, मुसलमान बनता है, और मान लीजिए कि जब जो जिस वक्त उसने कलीमा शहादा पढ़ लिया और उसकी नमाज, अब जो नमाज पढ़ना फर्ज है उसके लिए अब सिर्फ 20 मिनट ऐसा बचा है, तो शेख वो नमाज उसको तभी देख देख के पढ़ लेना है या फिर उसी में उसको सूरा सीख के पढ़ना है? यानी अब सूरा बिना सीखे मैं मुझको देख के उसने पढ़ लिया तो उसकी नमाज कबूल होगी? जज़ाकअल्लाह। जी भाई का सवाल एक ऐसे मुसलमान के बारे में है जिसे सूरह फातिहा नहीं आ रही है, या कुरान उसे नहीं आ रहा है, या नमाज की जो दुआएं हैं उसे नहीं याद हैं। ऐसी सूरत में भी पहली बात तो उसके ऊपर अब वाजिब है कि वो सीखना शुरू करे, और जाहिर है उसे चंद मिनटों में तो सीखा नहीं जा सकता, उसको एक वक्त लगेगा सीखने में, तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो सीखे। जब तक उसे नहीं याद है तब तक वो नमाज पढ़ेगा, वो नमाज के अंदर तस्बीह हो तहलील करेगा, वो नमाज के अंदर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या इस तरह के अजकार जो वो आसान है जो सीख चुका है उसको वो पढ़ेगा, लेकिन नमाज को उसे पढ़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह का एक सवाल एक सहाबी ने किया। उन्होंने कहा कि मैं कुरान नहीं पढ़ सकता हूं तो क्या मैं क्या पढ़ूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तस्बीह हो तहलील बताया और कहा कि ये इससे तुम्हें उसका अज्र मिलेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो अब इसी पर कंटिन्यू करे, उसे सीखने की जरूरत नहीं है। ये उस वक्त है, उस वक्त तक के लिए जब तक वो सीखा नहीं है, और अब उसके ऊपर वाजिब है कि वो सीखे।